अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए महानगर में भगवान राम की नागरिकों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको देखते हुए पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है और हर जिले में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि महाराणा प्रताप से होकर गोलघर, गणेश चौक, विजय चौक, बैंक रोड होते हुए वापस महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर समाप्त हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और साथ ही स्कूली छात्र व छात्राएं ने भी भाग लिया। यह शोभा यात्रा भगवान राम की आरती करने के बाद निकाली गई, जिसमें छोटे बच्चे भगवान राम व माता सीता की भूमिका में रथ पर बैठकर शोभा यात्रा की अगवानी कर रहे थे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। सभी लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केशव गोपाल आरएसएस के आत्मा सिंह ने कहा, यात्रा निकाली जा रही है क्या? बहुत लंबे संघर्ष के बाद इस प्रकार का उत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। पूरे देश, प्रदेश, जिला, ग्राम, सभी ग्रामवासी तक बहुत ही प्रसन्न है और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसी के उपलक्ष्य में संपूर्ण महानगर में हर मंदिर, हर स्थान पर, हर देवालय में सब खुशियां मनाई जा रही हैं। इस प्रकार की शोभा यात्रा निकाल कर बहुत खुशी है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। पूरा राममय हो गया है पूरा वातावरण। ये 500 सालों का अपने पूर्वजों का त्याग है और खुशी की लहर है पूरे महानगर में। एकदम राममय हमारों का नगर हो गया है। बहुत गर्व की बात है कि हम 500 सालों का त्याग आज परिणाम स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, इसका बहुत बहुत भूर भूर प्रशंसा हो रही है। केशव गोपाल।